Son of Ben, it is a literary group and it is also called as the Tribe of Ben. इसका जो टाइटल है ट्राइब ऑफ बैन और सन ऑफ बैन, ये अडॉप्ट किया गया था बाय ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट, प्ले राइट्स एंड इन द 17th century हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन के स्टाइल से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, उनकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस हुए थे बेन जॉनसन की, एंड द फिलोसफी एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ बेन जॉनसन. दिस ग्रुप पोइट्स आर लॉयल टूवर्ड द किंग एंड द क्राउन. सो ये इनकी जो राइटिंग थी वो क्राउन और किंग को फेवर करती थी. दीज ग्रुप्स वर नॉट अ फॉर्मल, मीन्स ये फॉर्मल वे में नहीं थे, दीज आर इनफॉर्मल. और इनके जो राइटर थे वो नॉट अ लिमिटेड और पता नहीं था कौन, मतलब सेट ऑफ राइटर्स पता नहीं थे कि कौन थे या कौन नहीं थे. सो नॉट फिक्स्ड एंड नॉट लिमिटेड. दिस सिम्बॉलिक न्यूक्लियस सीम्स टू हैव बीन द डाइनिंग टेबल. सी दिस डायग्राम. सेंटर का मतलब, सिम्बॉलिक न्यूक्लियस का मतलब है सेंटर होता था बेन जॉनसन की राइटिंग. सो जो सेंटर थी वो बेन जॉनसन की राइटिंग थी और बाकी जो अदर ग्रुप्स ऑफ राइटर थे वो बेन जॉनसन की राइटिंग को फॉलो करते थे. और दे मीट ऑन द रेगुलर बेसिस इन 1620 एट द डेविल एंड सैंड डंस्टन टैवरन नियर द टेम्पल बार लंदन. इस जगह पे वो रेगुलरली मीट करते थे और डिस्कस करते थे देयर राइटिंग के, उनकी राइटिंग के बारे में डिस्कस करते थे. और इस सर्कल में बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मैन, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन शामिल थे. सो दे मीट एट रेगुलरली एट द प्लेस टेम्पल बार. Their poetry focus on the value emerging of urban society and the friendship. जो उनकी जो पोइट्री थी वो बेस्ड होती थी अर्बन सोसाइटी के बारे में एंड की टर्म फ्रेंडशिप के ऊपर. सम ऑफ पोएम्स दैट आर रिटन इन द कन्वर्सेशनल टोन और गुड लाइफ के बारे में लिखी जाती थी, एम्फेसाइजिंग ऑन इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, बट दे रिजेक्ट द नैरो माइंडनेस, फैंटिसिज्म, एक्सट्रीम्स और स्नोबरी. मीन्स इन सब चीज़ों को वो रिजेक्ट करते थे और वो जो पोएम लिखते थे वो थी इंटेलिजेंस, गुड लाइफ के ऊपर, एम्फेसाइज करते थे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. अकॉर्डिंग टू द जॉन ली डेविस, ही लिस्टेड द 11 प्ले राइट अंडर द सन ऑफ बैन. वो प्ले राइट्स हैं, ये 11 प्ले राइट्स हैं. यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ नेम ऑफ दिस प्ले राइट. जैसे फर्स्ट है रिचर्ड ब्रोमे, थॉमस नैब, हेनरी गैपथॉन, थॉमस किलग्र्यू, विलियम डेवनेंट, विलियम कार्टराइट, शर्ले मार्मियन, जैस्पर मैने, पीटर हॉस्टेड एंड थॉमस रेडोल्फ, विलियम कैवेंडिश. दीज आर द 11 राइटर्स हु आर कंसिडर्ड एज द सन ऑफ बैन. जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके बारे में रिमेंबर रखना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कई बार इनके नेम्स अधिकतर सन ऑफ बैन्स में पूछे जाते हैं. Also remember that sometime cavalier poets also considered as within the group of Jonson group of poetry. Richard Brome had his dramatic debut with the Jonson play Bartholomew Fair. इस प्ले से इन्होंने अपना राइटिंग में डेब्यूट किया था और इस वर्क के द्वारा रिचर्ड ब्रोमे वर्क एज द बैक स्टेज. सो इन्होंने बैक स्टेज वर्क किया था इन द जॉनसन्स वर्क बार्थोमेव फेयर. जो रिचर्ड ब्रोमे के इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं दैट आर द 5 New Plays. 5 New Plays, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ 5 प्ले एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1653. ये पब्लिकेशन डेट रिमेंबर रखना जरूरी नहीं है बट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेज. द इंग्लिश मोर, द वेडिंग ऑफ कॉन्वेंट गार्डन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर इज़ विलियम डेवनेंट. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिटरेरी सन ऑफ शेक्सपियर. It was rumored that he was called as the Shakespeare's biological son. In 1680, after the Shakespeare's death, he was at the age of 12. That time he wrote this ode in remembrance of Master Shakespeare. So, ये जब 12 साल के थे, तो अब इन्होंने ये ओड लिखी थी with the to dedicate Shakespeare. After the Ben Jonson death, Davenant also named for the poet lectureship in 1638. His famous work is Gaudibert. It is an epic poem by Davenant and it is based on Homeric and Vulgate epic. ये जो वर्क है, ये जो वर्क के गॉडिमर वर्क डेवनेंट ने ये ड्राफ्ट सेंड अ ड्राफ्ट ऑफ पोएम टू थॉमस हैबे फॉर द रिव्यू. सो ये जो वर्क का जो ड्राफ्ट है उन्होंने थॉमस होप को भेजा था फॉर रिव्यू. द साय ऑफ रोब्स, इट इज़ एन ओपेरा बाय डेवनेंट और ये कंसिडर्ड होता है एज द फर्स्ट इंग्लिश ओपेरा. नेक्स्ट राइटर इज विलियम कैवेंडिश, द फर्स्ट ड्यूक ऑफ न्यू कैस्टल अपॉन द टाइने. इनका ये फुल टाइटल है, ये कहलाते थे द फर्स्ट ड्यूक ऑफ न्यू कैस्टल. ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ लूज ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रुप. विलियम कैवेंडिश नोन एज द इन्वेंटर ऑफ लूज ग्रुप नोन एज द वेलबैक सर्कल और न्यू कैस्टल सर्कल. इसको वेलबैक सर्कल बोलते थे, न्यू कैस्टल सर्कल भी बोलते थे. He was also created a Knight of Bath in 1610 and Member of Parliament in 1612. His work like The Country Captain, ये वर्क प्ले था, पब्लिश हुआ था, प्रिंटेड हुआ था 1649 में. इसका सबटाइटल है The Captain Underwit. Next play is The Humorous Lover और ये प्ले भी प्रिंटेड हुआ था 1667 में and it is the comedy. जो वेलब्रेक सर्कल है लूज ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल राइटर का, वो कैवेंडिश द्वारा ही स्टेबलाइज हुआ था. इट्स नेम, इसका जो नेम है वो बेस्ड ऑन वेलबेक एबे, अ कंट्री हाउस इन नॉर्थम्बरशायर. वहाँ पर इनका होम था, उसी जगह पे इन्होंने ये सर्कल का नाम रखा. द सपोर्टर एंड राइटर ऑफ दिस ग्रुप आर मार्गरेट कैवेंडिश, ये वाइफ थी विलियम कैवेंडिश की, विलियम डेवनेंट, विलियम सैम्सन, जेम्स शर्ले, जॉन सकलिंग एंड फ्रांसिस्को फैनेली. तो रिमेम्बर ये 2-3 नाम स्टार्टिंग के याद रखना कि ये सपोर्टर थे वेलबेक सर्कल के.